नक्तुलु औलादुकुम मिन इमलाक नहनु नर्जुकुकुम व इयाहुम। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, अपनी औलाद को गरीबी की डर से कत्ल मत करो कि पैसा कम है तो बच्चे कैसे पालेंगे, ठीक है, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और इन्हें भी। मतलब तुम जब दुनिया में आए तो क्या लेकर आए थे, अपने साथ रिस्क लेकर आए थे? कोई बच्चा अपने साथ लेकर आता क्या, इतने करोड़ रुपए लेकर आया मैं साथ में, पूरा मेरी जिंदगी का सामान, उसको कुछ नहीं मालूम क्या होने वाला है। दुनिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं, आपने देखा कहाँ कितनी ऊंचाइयों पर जाकर पहुंच गए, अल्लाह ने उनको कैसे नवाजा, और कुछ सिल्वर स्पून लेकर घर में पैदा हुए लेकिन वो गरीबी की हालत में चले गए। अल्लाह देता है, अल्लाह छीनता है, उसके हाथ में, बस उसको राजी कीजिए वो आपको देगा। मैंने कई एग्जाम्पल देखे, एक फैमिली में एक माशाल्लाह एक टीचर थे, मैं उनको जानता हूँ। अब मैं खुद की एग्जाम्पल दूंगा तो बात इतनी अच्छी असरदार नहीं होती है, दूसरों की मिसालें। हमारे एक मोहल्ले में थे, एक टीचर थे, माशाल्लाह उनके 5 बच्चे, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक फार्मासिस्ट, एक वकील और एक बिजनेसमैन, सब अच्छी पोस्ट, सब वेल सेटल्ड माशाल्लाह। ईमानदार टीचर, प्राइमरी टीचर की क्या सैलरी होंगी आप सोचें। और मैंने एक ऐसा भी एग्जाम्पल देखा हमारे मोहल्ले में, करोड़ों पति अरबों पति, दो ही बच्चे हैं और दोनों ने मिलकर पूरा पैसा उड़ाए, पूरा पैसा खत्म, गरीबी की हालत में लेकर आ गए, लोन उठाने पर मजबूर। ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा बच्चे हैं तो गुर्बत में आ जाएंगे आप, ऐसा नहीं होता है कि आप दो ही बच्चे रहे तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, ऐसा नहीं, बल्कि तरबियत अहम होती है। हाँ, इसका मतलब यह भी नहीं है कि बस पैदा करते जाओ और छोड़ते जाओ महल्ले में दूसरों के नाक में दम, अरे बराबर है कि नहीं है, चलना शुरू है कि आ जाता हूँ मार्केट में, डायरेक्ट शर्ट पहना बिना चड्डी के घुमरा बाहर वो पैदल चलना सीखा कि आया कॉलोनी में, लोग परेशान, अरे किसके बच्चे तो ऐसा भी, ये इसका मतलब लोग इतना सिर्फ समझ लेते, अरे कुरान हदीस को आप टटोलेंगे, तरबियत की कितनी हदीसें हैं, उनको इल्म दो, उनको सिखाओ, उनके साथ खेलो, उनकी तरबियत करो, रोको टोको, उनको अखलाक सिखाओ, अदब सिखाओ, इतनी हदीसें हैं, आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा ना आदाब अल मफरद, इमाम बुखारी की किताब के बारे में पिछली बार मैंने आपको बताया, कितना गाइडेंस है इस्लाम में, अगर वो गाइडेंस से चलेंगे तो वो बच्चे दुनिया में भी बहुत ऊंचा जाएंगे और आखिरत में इंशाल्लाह फायदा तो है ही है। तो तरबियत के साथ है, ठीक है, कुछ लोग करते हैं आधी बात समझते हैं और आधी बात छोड़ देते हैं, तो ये चीज गलत है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि गरीबी की डर से, अच्छा अल्लाह ताला के बताए हुए फार्मूले से अगर आप हटेंगे ना नुकसान उठाएंगे। क्या हुआ, हमारा एक पड़ोसी मुल्क है चाइना, उसने पहले एक स्लोगन शुरू किया, सिर्फ 2 बच्चे, उसको देखकर अपन ने भी किए, हम 2 हमारे 2, बच्चे 2 ही होते हैं अच्छे, दीवारों पर लिखा हुआ हर जगह, बराबर है कि नहीं है? तो फैमिली प्लानिंग, सब फैमिली प्लानिंग कर रहे, 2 ही बच्चे, 2 से ज्यादा नहीं है ना। चाइना ने फिर वो देखो क्या एक कदम और बढ़ाया, 1 ही बच्चा बस, 1 से ज्यादा रहा तो आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, तो लोगों ने एक एक करना शुरू किया, मतलब 1 से ज्यादा नहीं है, स्टॉप फैमिली प्लानिंग। अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कुछ महीने पहले, चाइना में आया क्या, उन्होंने बोले फिर से वापस 3 क्यों, क्योंकि जो इनकमिंग है वो कम हो गया और आउटगोइंग ज्यादा हो गए, तो 70% बुड्ढे चाइना में 70%, और क्योंकि जो पुराने हो गए थे पैदा वो तो बड़े हो रहे ना, और आने वाले कम हो गए ना, मैन पावर कम हो गया उनके पास, परेशान हो गए वो, तो आप फिर से क्या बोले उन्होंने, अब 3 परमिशन दे दी गवर्नमेंट ने लीगल, मतलब वापस घूम फिर कर किधर आ रहे हैं आप, इस्लामी कानून की तरफ आ रहे हैं। आज 3 बोल रहे, बाद में बोलेंगे नहीं वॉर के लिए लोग चाहिए ज्यादा, 5 हो दो, बराबर है कि नहीं है? किसी भी मुल्क में मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश के एक आदमी ने पेशनगोई किया था जिसके वजह से ये सारे प्लानिंग्स बने, मैं उसका नाम भूल गया, एक एनालिस्ट था वो, एनालिस्ट जो एनालिसिस करते ना, कहा कि जिस रेशो से पब्लिक बढ़ रही है दुनिया में उस रेशो से जो हमारा प्रोडक्शन है खाने पीने का उतना नहीं बढ़ रहा है, तो कुछ सालों बाद हम परेशानी में आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने रोक टोक लगाई इंग्लैंड के अंदर, एकदम फैमिली प्लानिंग स्ट्रिक्टली, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली किया, तब भी माशी बोरान आया, लोग परेशान है आज भी। तो हमारे एक दोस्त है, उनका इकोनॉमी का पेपर था, इकोनॉमी, वो कॉमर्स की फील्ड से थे, उनका इकोनॉमी का